दो माली, पिक्चर का नाम है, फिल्म का नाम है, एक फूल दो माली। मतलब क्या हुआ? एक फूल का पौधा और दो माली, मतलब एक माँ और एक पिताजी, ये माली के जैसे हैं, जो एक पौधे को बेटा के रूप में, बेटी के रूप में जो वो पौधा लाया है धरती पर, उसको सींचने का काम करता है वो दो माली। यस और नो? यस और नो? दोस्तों, ये माली वो मेरी माँ और वो मेरे पिताजी होते हैं। आज से 17.5 साल पहले जब मैंने अपने मम्मी पापा को ध्यान से महसूस किया, ध्यान से समझा, ज्ञान की आंखों से देखा, रोज देखता था इस आंखों से, और ये आंखों से देखने के बाद क्या दिखाई देगा? रंग दिखाई देगा। सही बात है कि नहीं? बोलो। ये आंखों से क्या क्या दिख सकता है? रंग दिखाई दे सकता है इस आंखों से, और क्या दिखाई देगा? मेरी माँ का चेहरा कैसा है, आकार कैसा है, आकृति कैसा है, लंबा कैसी है मेरी माँ, मेरा पिताजी का देखने में चमड़ी कैसा है, ये आंख से ये दिखता है। लेकिन अंदर वाला आंख, ज्ञान वाला आंख से जब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको आपकी माँ के अंदर वो जो दिखाई देगा वो इस आंख से दिखाई देने वाला नहीं है। कितने लोगों ने कभी अपने जिंदगी में बैठकर सच में अपनी माँ के प्रति फील किया है कि मेरी माँ मेरे प्रति क्या सोच के बैठी है? कितने लोग सोचे हैं? सच बताइए। कभी देखे, कभी सोचे? कभी सोचे कि नहीं सोचे? कभी सोच के देखिएगा अपनी माँ के बारे में, कभी सोच के देखिएगा अपने पिताजी के बारे में। वो उसकी आंखें आज भी रास्ता निहार रही है, आज भी उसके दिलों में उम्मीद का चिराग अभी भी जल रहा है कि मेरा बेटा 18 साल का हो गया, अब कुछ करेगा, अब मेरा बेटा मेरे दरवाजे पर गाड़ी लेके आएगा, अब मेरा बेटा मेरे दरवाजे पर साइकिल लेके आएगा, अब मेरा बेटा मेरे दरवाजे पर कार लेके आएगा, अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब देखना कमाएगा, घर बनाएगा, कमाएगा, फ्लैट लेगा, कमाएगा, मुझे देश विदेश लेके जाएगा। और उसके आंखों में, उसके अंदर में, उसके मन के भीतर ये सब बात बैठा हुआ है। यस और नो? कभी पूछा है कभी किसी ने मां से, रे मां क्या सोचती है तू मेरे बारे में? कभी पूछ के देखे हो अपनी मां से? पूछे हो कभी इस तरह से किसी ने भी? पूछे हो कि नहीं पूछे हो? नहीं पूछा है। इसका मतलब आप लोगों ने अपनी मां के अंदर झांक करके, मां के दिलों में फूंक करके, मां के दिमाग में उतर करके, मां के दिलों में अपने आप को अंदर बैठा करके वो मां के दिल का हाल जानने की आपने कोशिश। सही बात है कि नहीं? Yes. सही बात है कि नहीं? Yes. कब करोगे ये काम? कब करोगे ये? अंदर दिलों में उतर करके मां के दिलों में क्या मेरे प्रति उपेक्षा है, मेरे प्रति मेरी मां क्या सोच के बैठी है, कभी पूछ के देख दो, कभी तो पूछ के देखो, कभी तो जरा एक बार बात करो, कभी तो एक बार सोचो कि मां तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। कहीं ना कहीं वो मां मेरे बारे में, जब मैंने 17.5 साल पहले अपनी मां से पूछा कि मां मुझे ना आज मेरे गुरु ने बोला है कि घर में जाने के बाद तुम अपनी मां से पूछना कि तुम्हारी मां तेरे प्रति क्या उम्मीद लगाए बैठी है, तो तुम बताओ मम्मी कि मेरे प्रति तेरा क्या क्या इच्छा है। जब ये बात जिंदगी में 25 साल की उम्र में पहली बार मैंने पूछा था अपनी मां से, तो मेरी मां जब बोलना शुरू किया ना, तो आज भी मुझे वो दिन याद है कि मां का हर एक बात इतनी ताकतवर थी, इतना बड़ा बात था, इतना बड़ा बड़ा उन्होंने बात बोला कि 25 साल का ये लड़का पहली बार नींद से जाग गया, पहली बार।
मैंने नींद से जागा था 25 साल की उम्र में, और मैं आज भी कहता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं 70-80% से ज्यादा लोग अभी भी अपनी माँ के अंदर की इच्छाओं को समझने का प्रयास ही कभी नहीं किए हैं। ये सही बात है कि नहीं? Yes. क्या अपनी माँ की इच्छाओं को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? Yes. कितने लोग मानते हैं कि जानना चाहिए, बताइए मुझे। Yes. जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? Yes. क्योंकि जिसने मुझे इस दुनिया में लेके आया, क्योंकि जिसने मुझे इस धरती पर लेके आया, उस इंसान का इच्छा क्या है बताओ? क्या उम्मीद करती हो तुम निरंजन से? बता मां, क्या उम्मीद रखती हो मेरे से? ऐसा जब तुम पूछोगे अपनी मां से, तो इतना सारा लिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। उस लिस्ट में ना जाने क्या क्या होगा। बोलेगा, देखो ना, जब तुम छोटा था ना, तो मैं सोची थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के ऐसा कोई काम करेगा जिसमें मेरा भी नाम होगा। यस और नो? यस। पहला वर्ड ये तुम्हारी मां बोलेगी, पहला वर्ड। हर एक मां चाहती है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे जिससे कि मेरा नाम हो जाए। देहाती में, देहात में जो औरतें हैं वो बोलेगी कि बेटा कुछ ऐसा कर कि मेरा पगड़ी ऊंचा हो जाए। यस और नो? यस और नो? तो आपके जीवन का पर्पस यही से पता चलता है, और यहीं पर मेरी मां और मेरे पिताजी को देखने के बाद मेरे जीवन का पर्पस, मेरे जीवन का उद्देश्य पता चल गया। और ये उद्देश्य दिखाने वाले इस दुनिया में सबसे हमारे गुरुदेव मुझे आज से 17.5 साल पहले मुझे जगाया था। बोला, निरंजन 25 साल हो गए, आप तो जग जा, अब कब तक सोए रहोगे? थैंक यू, बैठ जाइए। तो मुझे आज यहां पर बैठे बैठे मुझे बताइए कि क्या आप अपने जिंदगी में 18 साल हो चुका है आपका उम्र, किसी का 20 साल हो चुका है, किसी का 22 साल हो चुका है, किसी का 25 साल हो चुका है, किसी का 30 साल हो चुका है, क्या अभी भी आप जगे हैं कि नहीं जगे हैं? या पहले जगे तो आज आगे की जगे, और यदि जो जग कार खरीद, मान लो मेरा पर्पस है करोड़पति बनना, मान लो
वापस है अरब की बनना तो जो मेरे को पूरा कर सके हमको चुनना है क्या जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर सके वैसा ही क्या करना है एक मेरा उद्देश्य करोड़पति बनने का और दूसरा मैंने प्रोफेसर के लिया ऐसे नहीं होता है काम तो चूज जिंदगी में पहले आप अपना पर्पस चूज बना होता है चुनना किस काम करें उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्लानिंग करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा प्लानिंग करना पड़ेगा देन उसके बाद चौथा स्टेप प्रिपरेशन फॉर एक्शन जब मैं चुन लूंगा कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है और उसमें प्रोग्रेस करने के लिए मैंने प्लानिंग भी कर लिया तो उस प्लानिंग को एक्शन को तैयार करने के लिए पहले मुझे प्रिपरेशन करना होगा यस और नो प्लानिंग और प्रिपरेशन में और अंतर डिफिनेशन समझेंगे आगे और लास्ट एनालिसिस फॉर प्रोग्रेशन क्या मतलब हुआ इसका मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं इसका हर बार एनालाइज करना अपने प्रोग्रेशन का तो ये पांच स्टेप में हमारी जिंदगी का सक्सेस छुपा हुआ है आइए एक एक चीज करके हम इसको समझते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पर्पस के ऊपर हम चलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ जीवन का उद्देश्य बोलो जीवन का उद्देश्य मेरे जीवन का उद्देश्य तो यदि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दूसरे को बताना है तो कैसे बोलेंगे मेरे जीवन का उद्देश्य बोलिए मेरे जीवन का मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे जीवन का उद्देश्य आप क्यों ऐसे कर रहे हैं ऐसे बोलिए मेरे जीवन का मेरे जीवन का मेरे जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया यस तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है उमोर सोए हुए हो इसीलिए लाइफ जीवन का जीवन का किसके जीवन का कैसे बोलोगे मेरे जीवन का उद्देश्य तो क्या होना चाहिए आपके जीवन का उद्देश्य चलिए एक एक करके समझते हैं व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ आपके जीवन का उद्देश्य क्या है अब आप कहेंगे सर अभी तो आप पूछ रहे थे मैंने कुछ लोगों ने बताया उसे कहते हैं सपना गाड़ी लेना घर खरीदना करोड़पति बनना इसे